हेलो एवरीवन, अभी तक मैंने जो भी कमीशंस या कमिटीज़ पढ़ाई हैं उससे रिलेटेड कुछ मैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस कमीशन ने साइलेंट मेडिटेशन को मोरल वैल्यूज़ का पार्ट माना है? फोर कमीशंस दिए हुए हैं ऑप्शंस में, इनमें से ऑप्शन बी जो है यूनिवर्सिटी एडुकेशन कमीशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको जो है इंडियन एडुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी वुड डिस्पैच। किस कमीशन ने सबसे पहले प्राइमरी एडुकेशन को डिसेंट्रलाइज्ड करने की बात कही थी? डिसेंट्रलाइज्ड दी प्राइमरी एडुकेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंट्रोल है प्राइमरी एडुकेशन का वो सिर्फ एक हाथ में ना रह करके दूसरी लोकल ऑफिसेज और अथॉरिटीज़ के हाथ में जाए। सबसे पहले ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए हंटर कमीशन। कोठारी कमीशन ने किस लैंग्वेज फार्मूला को रिकमेंड किया था? ऑप्शन ए थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है इसको मैं बार बार जो है डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी दूसरी वीडियोस में। पहली एडुकेशनल पॉलिसी फ्री इंडिया में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो है पहली एडुकेशनल पॉलिसी कब लागू हुई थी? ऑप्शन सी 1968। कोठारी कमीशन ने इनमें से किसको जो है रिकमेंड किया था सीनियर सेकेंडरी लेवल के एडुकेशन पे, जिससे कि स्टूडेंट्स अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकें, हासिल कर सकें और ख़ुद को लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सकें? ऑप्शन बी वोकेशनलाइजेशन। एनपीई 1986 के द्वारा किस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था प्राइमरी एडुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए? ऑप्शन डी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेशनल नॉलेज कमीशन के हेड कौन थे? ऑप्शन सी सैम पिट्रोडा। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन्स एडुकेशन के लिए सबसे पहली कमेटी कौन सी बनाई थी? इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। टीचर एडुकेशन प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए इनमें से किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे? ऑप्शन बी राममूर्ति कमेटी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1953 में, किसके रिकमेंडेशन के आधार पे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1953 में, लेकिन इसे सैचुरेटरी बॉडी का स्टेटस मिला था 1956 में। सैचुरेटरी बॉडीज़ क्या होती हैं? सैचुरेटरी बॉडीज़ जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू क्रिएट होती हैं। इसको पावर स्टेटस सब पार्लियामेंट से मिलता है। किस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे, की बेसिस के आधार पे यूजीसी को बनाया गया था? इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी राधा कृष्णन कमीशन। एडुकेशन कमीशन 1964-66 की जो रिपोर्ट थी उसका टाइटल क्या था? ऑप्शन डी एडुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ऐसा किस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आप सोशल चेंज लाना चाहते हो, वो भी बिना किसी हिंसा के, लड़ाई झगड़े के? इस तरह का सोशल चेंज जो है सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन के थ्रू ही प्राप्त किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है? ये बात किस कमीशन की रिपोर्ट में कही गई है? ऑप्शन सी कोठारी कमीशन इसका राइट आंसर है। इंडियन एडुकेशन कमीशन 1882 के अकॉर्डिंग प्राइमरी एडुकेशन पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? हिंदी मदर टंग, लोकल लैंग्वेज इंग्लिश। ऑप्शन बी मदर टंग इसका राइट आंसर है। 14 सितंबर 1917 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा कमीशन जो है अपॉइंट किया था? इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए सैडलर कमीशन। किस कमीशन ने यूनिवर्सिटी कोर्स में साइंस और टेक्नोलॉजी कोर्स को ऐड करने की बात कही है? सैडलर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, मुदालियर कमीशन, हंटर कमीशन। सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। इंडियन एडुकेशन कमीशन 1882 के अकॉर्डिंग प्राइमरी एडुकेशन किसके द्वारा कंट्रोल की जानी चाहिए? ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स। 2015 तक जो इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 1500 होनी चाहिए। ऐसा किस कमेटी ने रिकमेंड किया था हायर एडुकेशन को प्रमोट करने के लिए? ऑप्शन ए सैम पिट्रोडा कमेटी। किस कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एडुकेशन और रिसर्च खुलना चाहिए?
इसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। ऑप्शन डी शर्मा कमेटी। किन दो तरह के बच्चों को स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए इंडियन एडुकेशन कमीशन 1882 के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रूरल यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का जो सजेशन था वो किस कमीशन ने दिया था? फोर ऑप्शंस हैं। राधा कृष्णन कमीशन इसका राइट आंसर है। इस कमीशन ने कहा था कि जो सेकेंडरी लेवल की जो एडुकेशन है वो 3 साल की होनी चाहिए और हायर एडुकेशन जो है वो 4 साल की होनी चाहिए। फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए मुदालियर कमीशन इसका राइट आंसर है। लर्निंग विदाउट बर्डन बिना बोझ के शिक्षा ये किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? फोर ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन डी यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी ने जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो एकेडमिक बर्डन होता है उसको कम करने, उसको रिड्यूस करने के लिए सजेशंस दिए थे। ग्रेडिंग सिस्टम, बच्चों को ग्रेड्स दिए जाएं, एग्जामिनेशन सिस्टम में नंबर्स ना दिए जाएं, ये किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए मुदालियर कमीशन। 23 सितंबर 1952 को कौन सा कमीशन जो है अपॉइंट किया गया था? इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी मुदालियर कमीशन। कौन सी कमेटी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की चेयरमैनशिप के अंडर में बनाई गई थी जो इंडिया की बेसिक एडुकेशन है उसकी स्कीम बनाने के लिए? फोर ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी वर्धा कमेटी। जो राममूर्ति कमेटी थी उसको अपॉइंट करने का मेन एम क्या था? ऑप्शन ए है एनपी 1968 को रिव्यू करना, ऑप्शन बी है एनपी 1986 को रिव्यू करना, ऑप्शन सी है एनपीई 2020 को रिव्यू करना, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एनपीई 1986 को रिव्यू करने के लिए राममूर्ति कमेटी बनाई गई थी। मनमोहन सिंह ने 2005 में किस कमीशन का गठन किया था? फोर ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन डी नेशनल नॉलेज कमीशन। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया के किस प्राइम मिनिस्टर ने आचार्य राममूर्ति कमेटी बनाई थी? फोर ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रताप सिंह। डिफरेंट कमीशन्स और कमिटीज से रिलेटेड मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आचार्य राममूर्ति कमेटी पे होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।